परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं, दो पावर्स काम कर रही है, एक परमेश्वर की और एक शैतान की। शैतान की पावर काम कर रही है इसके लिए कि लोग मरे, उनके जीवनों से चुराया जाए, उनकी सेहत को घात किया जाए, नष्ट किया जाए। और परमेश्वर काम कर रहा है कि मैं जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। अब होगा कैसे? परमेश्वर ये चाहता है कि उसके गवाह खड़े हों जो ये बताएं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ये काम किया, जैसे मैं उसका गवाह हूं, हाँ, कि मेरी लाइफ में परमेश्वर ने ये किया। परमेश्वर ये चाहता है कि एक बंदा ऐसा उठे जो उसके साथ रिश्तों को कायम करके उसके वचनों को एग्जैक्ट फॉलो करे, मौसम कोई भी हो, वो दुखों का हो, सुखों का हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप उसके साथ बैठें, वो आपको अपने भेदों को बताए और फिर आपको वो इतना ब्लेस करे कि लोग ये समझ सकें कि परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया क्योंकि इसने परमेश्वर के वचनों को फॉलो किया। तभी तो लोग शैतान के जो सताए हुए बच पाएंगे, हाँ या ना? अब बात क्या है, परमेश्वर ऐसे आप नहीं जानते, जितना आप लोग जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं रोज प्रेयर में, और आप, मैं नहीं जानता आप क्या फील करते हैं, लेकिन जब मैं फील करता हूं, मैं अपनी बॉडी पर परमेश्वर की उपस्थिति फील करता हूं। एक तो वो हमारे अंदर है ही है, लेकिन जब प्रार्थना के बाद आप बाहर आते हैं, आपकी बॉडी पर आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करते हैं। कंप्लीट बॉडी पे आपको मालूम होता कि पावर और प्रेजेंस परमेश्वर की आप फील कर पा रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब बात यह है कि परमेश्वर ऐसा क्यों चाहते हैं। आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, आप भी फेथ में, विश्वास में और सामर्थ्य में, और एकदम से आपकी लाइफ चेंज होकर आप ऐसा फील करते हैं, और फिर आप जाना चाहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। चाहे आपका शरीर आपको रोके, आपकी इच्छाएं आपको रोकें, पर आपको मालूम होता है कि जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता हूं तो कुछ ऐसा बदलाव होता है जो और किसी भी एफर्ट के साथ, किसी भी काम के साथ नहीं होता। आप जानते हैं, इससे उल्टा परमेश्वर क्या करते हैं, जितना आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं उतने उससे लाख गुना ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए। आपको मालूम, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो ये परमेश्वर के लिए बेस्ट चीज है। उसको बाइबल कहती है, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। आमीन। जैसे ही आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा आनंदित रहता है क्योंकि उसने इसी के लिए आपको बनाया था। पता है कि नहीं पता? आदम बनाने का मकसद क्या था कि परमेश्वर कहता, मैं अपनी महिमा अब खुद नहीं कर सकता। हाँ, वो अपनी महिमा खुद कैसे करे? उसने कहा, मैं एक इंसान को बनाऊंगा जो मेरे जैसा होगा और जो मेरी महिमा करेगा। ये आपका असल मकसद था आपके बनाए जाने का, ठीक है? अब आप सोचो, हम बर्तना च भांडियां डिंडिया च चले गए, आप समझ आ रही कि नहीं? और जो असली मकसद था वो खत्म हो गया, और इसीलिए असली ब्लेसिंग्स भी नहीं है, असली शांति भी नहीं है, हर टाइम बेचैनी। उसका कारण यही, क्यों? परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसके साथ बैठ सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसको उसकी तारीफ कर सकें, उसके साथ समय बिता सकें। आज जब वही टाइम आप वापस लेके आते हैं, आदम वाला, कि आदम ने पाप करके खो दिया था, आपने यीशु मसीह में वो टाइम वापस लेके आए और आप फिर यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करना आपने शुरू किया। बाइबल कहती, आदम के लिए परमेश्वर ने सभी वस्तुएं पहले से बनाई थी। ऐसा नहीं किया, आदम बना दिया, अच्छा इनू साइकिल भी चाहिए था, अच्छा साइकिल बना देने, अच्छा इनू एक भांडे भी चाहिए, चलो भांडे बना देने। नो, उसने क्या कहा? कहता, उसने सब वस्तुओं को बनाकर आखिर में आदम को गूंथा और बनाया, और उसकी पसली से औरत को बनाया। यानी जैसे ही आप परमेश्वर के प्राइम पर्पस को, यानी जो मेन मकसद है बनाने का आपको, उसे पूरा करेंगे, वो सब वस्तुएं जो आपके लिए बनाई गई अपने आप आनी शुरू होंगी। आज सेवा में हर कोई बरकत चाहता है लेकिन नहीं पा पाता। उसे पता नहीं कि मेन काम है रिलेशनशिप बिल्ड करना, बाकी चीजें क्या होंगी, अपने आप ऐड होती जाएंगी।
रिलेशनशिप में क्या होता है जब आप परमेश्वर के साथ संबंधों को कायम रखते हैं। हर बंदा बड़ी चर्च के लिए नहीं चुना जाता, हर बंदा मेन पास्टर होने के लिए नहीं चुना जाता, हर बंदे की अलग अलग परमेश्वर की कॉलिंग है। उस कॉलिंग में उसकी सेम वही ब्लेसिंग है जो उसके अगुवे की है, लेकिन वो रिलेशनशिप जब वो मेंटेन करनी परमेश्वर के साथ शुरू करता है, उसे मालूम होना शुरू होता है हाँ इस दर्शन में मेरा रोल क्या है, क्योंकि उस वो रिलेशनशिप में रह के वो बात समझता है, और जब उसे समझ आ जाती है ब्लेसिंग्स फॉलो करनी शुरू होती है। वो सेम ब्लेसिंग उसकी मैरिज में, सेम ब्लेसिंग उसके घर में, सेम ब्लेसिंग उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में, सेम होना शुरू होता है। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? वो रिश्ता जब आप कायम कर लेते हैं, आप इमेजिन नहीं कर रहे, जब आप परमेश्वर के साथ रोज बैठते हैं, जितना आपका मन आनंदित है उससे लाखों करोड़ों गुना प्रभु का मन आनंदित है, क्योंकि उसे एक बंदा चाहिए जिस जो उसके साथ बैठ सके हर मौसम में, और वो उसे बना सके और बना के खड़ा करके कह सके देखो क्रिश्चियन ऐसे होते हैं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।